हर महीने कराची डिवीजन में कितनी अंदाजन कैजुअलिटीज हो रही है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे? देखिए कराची डिवीजन जो है वो एक बड़ी एरिया के हिसाब से काफ़ी बड़ी डिवीजन है, और उसके अंदर अगर हम जायज़ा लें तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो खाना बदोश टाइप के लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, प्लस ये कि वेंडर्स जिनका कोई घर बार नहीं होता, या आजकल आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो लोग शाम में प्लेटफॉर्म पे रेस्ट करने के लिए आ रहे होते हैं, या जिन प्लेटफॉर्म से वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है तो लोगों को मुफ्त का वाईफाई अवेलेबल होता है तो वहाँ से उठने का नाम नहीं लेते। अगर बात की जाए हम रेलवे ट्रैक से हटकर सिटी की बात करें तो सिटी के ऊपर भी जो है वो आबादी की वजह से बहुत ज़्यादा भरमार है और कैजुअलिटीज और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो मुख्तलिफ इकदाम किए जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, इसी तरह से रेलवे पुलिस ने भी किया है और जगह जगह मसाजिद में कैंप जो है कैंपेन चलाई है, मसाजिद के अंदर अनाउंसमेंट किए हैं कि आवाम के अंदर सिविक सेंस कम अज़ कम बेदार होना चाहिए कि अगर फाटक बंद है तो उसका जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करें, और वो आप ही की जो है वो बेहतरी के लिए बंद किया गया है ताकि आप वहाँ पे प्रॉपर्टी आप सेफ एंड सिक्योर वहाँ से गुजर सकें। तो जब ट्रेन गुजरती है तो वो अचानक से उसकी जब स्पीड डेफिनेटली हाई होती है और आवाम ये समझती है कि बस चंद सेकंड की बात है और हम इसमें से गुजर जाएंगे, और ट्रेन आ रही है अभी तो बहुत दूर है, देखने में बज़ाहिर वो दूर लगती है लेकिन वो फौरी तौर पर जैसे ही वहाँ से गुजरती है स्पीड में तो इस तरह से आवाम जो है वो हिट हो जाती है। अब आवाम के अंदर भी कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जल्दबाजी का शिकार होते हैं, हालांकि उन्हें काम कोई नहीं करना होता पटरी के उस तरफ जाके, लेकिन वो ऊपर बने हुए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। अब जो कैजुअलिटीज़ की आपने बात की उसके एग्जैक्टली हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि कितनी है, लेकिन महीने के अंदर 2 से 4 जो है वो कैजुअलिटीज़ या मैक्सिमम 5 भी हो जाती हैं। वजह ये होती है कि कुछ जो है वो हीरोइन या चर्स का नशा करके एजड लोग होते हैं जिनका कोई घर बार नहीं होता, वो वहाँ पर एडिक्ट घूम रहे होते हैं पटरी में, चूँकि रेलवे का तमाम ट्रैक सिक्योर नहीं है, सिक्योर से मुराद कि पूरी फेंसिंग नहीं हुई भी कि वहाँ से कोई एंटर नहीं हो सकता, सिटी के बिल्कुल ये शहर हर शहर से जो है वो ट्रेन गुजर रही होती है तो आवाम का इजी एक्सेस होता है, कहीं से वो दाखिल हो जाते हैं फेंसिंग ना होने की बदौलत। तो इस प्लेटफॉर्म के तहत पे अपील करती हूँ कि आवाम जो है वो उसको यूटिलाइज करे और प्रॉपर सिविक सेंस का मुजाहरा करते हुए ज़िम्मेदार शहरी बने।